हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भगवान साहब मीना। मैं आपको जो कोलकाता में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसकी डिटेल बताने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा खुद का भी वहीं कोलकाता में हुआ है। तो डिटेल बताने से पहले, सबसे पहले तो आप ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको सबसे लास्ट में आप लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहली बात कि आप कोलकाता जाएँ अगर मेडिकल के लिए, तो कम से भी कम ये सोच के जाएँ कि मेरा मेडिकल 3 या 4 दिन चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अलग है। अगर मेडिकल की बात की जाए तो कोलकाता में 6 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो आपको अलॉट किए जाएंगे इसके लिए, मेडिकल के लिए। लेकिन उनमें से एक ही जो हावड़ा साइड में है उसका ज़रूर ऐसा है कि उसमें शायद 1 या 2 दिन में फ्री कर दिया है, लेकिन उसके अलावा जितने भी हैं उन सब में कम से कम 3 या 4 दिन तो मिनिमम लग ही रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो प्रोसेस हुई मेडिकल की वो कैसे हुई। आपके जो भी डाउट हैं इसमें शायद मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई वहाँ से जैसे अपना डॉक्यूमेंट पूरा होगा तो उसके बाद अपने को एक परमिशन लेटर टाइप में दिया जाएगा, और वो उसमें आपका हॉस्पिटल मेंशन होगा कि भाई मेरे को ये हॉस्पिटल मिला है। जैसे कि मुझे जो हॉस्पिटल मिला था वो सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल मिला था, और वो यहाँ कोलकाता में ही था। उसके बाद में आगे बात करते हैं, जैसे ही मैं हॉस्पिटल में वहाँ पे पहुँचता हूँ, सुबह 8:30 बजे का टाइम दिया गया था नेक्स्ट डे, वहाँ पहुँचते हैं तो उसके बाद आपको जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो पहले से उन हॉस्पिटल वालों के पास पहुँचे हुए रहते हैं। आपको जाते ही वो आपका नाम बुलाएंगे कि भाई इस नाम का बंदा कहाँ है, इस नाम बंदा कहाँ है, सबकी एक बार अटेंडेंस होगी। फिर आपको 3 पेपर दिए जाएंगे जिनमें कुछ एंट्रीज फिल करनी है, आपके कॉमन नॉर्मल एंट्रीज हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उसमें फ़ोन नंबर वगैरह लिखवाएंगे वो। उसके बाद में जैसे ये प्रोसेस पूरी हो जाती है, उसके बाद में क्या होगा कि आपको डायरेक्टली वो नाम बोलेंगे भाई इस ये बंदा। मैं मिनिमम मैं आपको बताता हूँ कम से भी कम 14 या 15 बंदों का आपका बैच होगा, एक बैच 14-15 बंदे, मतलब के मॉर्निंग वाले और 14-15 ही इवनिंग वाले। इस मिला के कुल मिला के आपके टोटल 30 बंदे होंगे, जिनमें से आपको मैं बता दूँ कि सबसे पहले मतलब जैसे ही आपका ये अटेंडेंस वगैरह और वो जो 3 फॉर्म है वो फिल हो जाएंगे, उसके बाद में आपको डायरेक्टली वो अंदर बुलाएंगे, जिसमें कि आपका सबसे पहले विजन टेस्ट होगा। विजन टेस्ट के बारे में आपको बता दूं कि जैसे ही आप अंदर जाओगे रूम में, वो जिस रूम में विजन टेस्ट होगा उसमें वो सबसे पहले आपका बीपी चेक करेगा। तो बीपी चेक करेगा तो इसके लिए आपको बता दूं कि कोई भी हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स होकर जाइए। वहाँ अगर आप रिलैक्स होकर जाओगे तो आपका बीपी ठीक आएगा। मैं बताता हूँ, मेरे बैच में एक बंदा था जिसका मतलब थोड़ा टेंशन में था बंदा, तो उसका बीपी थोड़ा हाई आया था, तो उसको वहाँ पे डॉक्टर ने उसी टाइम बाहर भेज दिया था, बोला कि आप बाहर जाओ और सबसे लास्ट में आना, क्योंकि बीपी हाई आता था। उस चक्कर में क्या है कि वो डॉक्टर पहले सबसे पहले ये काम करता है कि बीपी चेक करता है, उसके बाद में आगे का काम प्रोसेस ये होता है कि एक सी लिखा हुआ रहता है, वो उससे सी होता है जो आपको दिख जाएगा नॉर्मली दोनों आँखों से। आप उस सी से कम से कम 6 फीट पीछे रहोगे, कम से कम 6 फीट के आसपास पीछे रहोगे, और वो आपको देखने को कहेगा कि ये सी दिख रहा है आपको, पहले दोनों आँखों से बोलेगा दिख रहा है आपको, तो आपको बोलना है यस या नो, अगर आपको दिख रहा है तो यस, नहीं दिख रहा तो नो। उसके बाद में वहाँ पे एक दूसरा बंदा रहेगा सी के पास में, वो सी को घुमाएगा, घुमाने के बाद आपको ये बताना है कि सी का मुँह किस तरफ है, अगर लेफ्ट साइड में तो आप बोलिए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो राइट साइड में। उसके बाद में वापस वो आपकी एक आँख बंद करेगा, एक आँख बंद करके बोलेगा कि अब सी दिख रहा है क्या, दिख रहा है तो उसका मुँह किधर है। वो सी जो बंदा सी के पास खड़ा है वो कंटिन्यू सी को रोटेट करता रहेगा, आपको जिस पूछेंगे उसके बाद फिर रोटेट कर देगा, फिर पूछेंगे फिर रोटेट कर देगा। उसके बाद में आगे सी जब दिख जाएगा उसके बाद में वो दोनों आंखों से दिखाएंगे, उसके बाद में आपसे एक बुक होगी जिसमें मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होगी। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश वाली दे देंगे और आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम है, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी रहेंगी। वो आपको दोनों आंखों से एक एक बार एक एक को बंद करके दोनों आंखों से दिखाएगा कि भाई इसको पढ़ के सुनाओ, आपको पढ़ के सुनाना है। जैसे सी दिख जाता है उसके बाद में क्या होता है कि वो आपको एक बिल्कुल छोटी सी लाइक लेज़र लाइट होती है, उसमें 3 कलर होते हैं, एक तो होता है बिल्कुल लाइट कलर अपना, उसके बाद में एक आता है येलो कलर, एक होता है ग्रीन और एक होता है रेड। ये कलर आपको बारी बारी वो दिखाएगा भाई कौन सा कलर आपको दिख रहा है, इसमें कोई आँखें बंद नहीं करेगा, आपकी दोनों आँखें खुली रहेंगी, आपको बस वो कलर बताना है। उसके बाद में क्या होगा कि वो आपकी आँखों पर एक चश्मा फहराएगा जिसमें एक साइड का ग्लास ग्रीन होगा, एक साइड का रेड होगा, जो आपको एक साइड की आँख से देख के बताना है। जैसे रेड वाली से देख के बताना है तो वो सामने 4 लाइटें होंगी, उसमें से केवल आपको 2 ही दिखेंगी, वो आपको दिख जाएंगी साफ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं उसमें, उसमें से आपको बताना है कौन से कलर की लाइट दिख रही है और उसका कलर कैसा है, ठीक है, कितनी लाइटें जल रही है और उसका कलर कैसा है। वो जैसे जैसे पूछा जाए आपसे, जैसे डॉक्टर पूछ रहा है उसके हिसाब से आपको जवाब देना, बिल्कुल 1% भी हाइपर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब नॉर्मल प्रोसेस है। उसके बाद में वो आपको
बिल्कुल आपके कपड़े पूरे खुलवाएगा, उसके बाद में वो चेक करेगा जो उसकी मतलब रूटीन में है, कुछ नहीं घासने के लिए बोलता है, उसके बाद में वो सब अपने आप चेक कर लेता है। ये प्रोसेस होने के बाद जैसे ये रूम की ये इस रूम की प्रोसेस होती है, वो आपको बोलता है कि ठीक है अब आप बाहर जाइए। उसके बाद में सीधा सा होता है आपका मतलब कि उसी दिन जो मैं मेरे हॉस्पिटल की बता रहा हूँ, मेरे हॉस्पिटल में उसी दिन हमारा एक्सरे हुआ। एक्सरे के लिए हमको ले जाया गया ऊपर रूम में, एक्सरे रूम में ले जाके जो नॉर्मली एक्सरे होता है उसकी तरह से मतलब दीवार के उस एक्सरे मशीन की तरफ आपको सीना करके खड़ा होना है और वो एक्सरे हो जाएगा, ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। पहले दिन हमसे केवल यही कराया गया, इसमें उन्होंने शाम के 5:30 बजा दिए थे इस प्रोसेस में। उसके बाद में बोलते हैं कि अगले दिन आना है। फिर हम जब अगले दिन जाते हैं तो उसके बाद में हमारा ब्लड टेस्ट होता है। मैं आपको बता दूं कि ब्लड टेस्ट जिसका भी हो जिस दिन भी हो आपको खाना खा के नहीं जाना है उस दिन, जब तक ब्लड टेस्ट नहीं हुआ। आपको बोलेंगे कि आपका कल ब्लड टेस्ट होगा और आपको खाना खा के नहीं आना है, ठीक है। जब तक ब्लड टेस्ट नहीं हो आपको किसी को खाना नहीं खाना है। दूसरी बात, जिनकी एज लगभग मैं आपको बताता हूँ मिनिमम शायद 27-28 साल से ऊपर है उनका यूरिन टेस्ट होगा, उसके अलावा सबका यूरिन टेस्ट नहीं होगा। जिनकी एज 27-28 साल से ऊपर है वो है उनका यूरिन की जाँच होगी। ये दो टेस्ट होंगे। उसके बाद में अगला जो ये प्रोसेस थी हमारे, ये होने के बाद उस दिन केवल ये दो प्रोसेस हुई थी। उसके बाद में उन्होंने ECG करवाई, ECG दूसरे दिन ही हुई थी। ECG करवाने के बाद ECG की मशीन कुछ नहीं होता, आपको लेटा देते हैं, जो उनके पास उपकरण वगैरह होते हैं वो सारे उपकरण आपके लगा देते हैं और उसके बाद में उसको मतलब आपको फाइनली डन कर देते हैं भाई यहाँ भी हो गया। उसके बाद अगले दिन आने के लिए बोलते हैं। तीसरे दिन जो होता है उस दिन आपके मतलब कि आँखों में वो ड्रॉप डालते हैं और ये चेक करते हैं लेज़र कि भाई कोई लेज़र सर्जरी तो नहीं है या फिर लेंस वगैरह नहीं लगवा रखा है आपने कोई। ये नॉर्मल जांच होती है। इसमें एक चीज़ आपको बताता हूँ, आंखों में जब ड्रॉप डालेंगे तो आपको आंखें बंद करके रखनी है खुली रखनी है, ऐसा कोई डाउट नहीं है। आराम से आपका जैसा मन है वो बिठा देंगे आपको। हाँ, आपको धुंधला दिखेगा, सब कुछ धुंधला दिखेगा। आपके हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल में आपको तस्वीर तो थोड़ी बहुत दिख जाएगी, लेकिन नंबर या फिर जो कुछ भी लिखा हुआ है आपके मैसेज वगैरह या फिर कॉन्टैक्ट नंबर आप कुछ नहीं देख पाओगे, वो सब कुछ धुंधला दिखेगा। जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको सब कुछ धुंधला दिखने लग जाएगा। उसके बाद में जो ये वाला वो होता है टेस्ट होता है, इसके अंदर आपको डॉक्टर अंदर बुलाता है और आपको बिल्कुल सामने देखने के लिए आपकी जो चिन होती है उसको वहाँ पे रखवा लेगा मशीन पे, थोड़ी जो होती है उसको मशीन पे रखवा लेगा। उसके बाद में वो बोलेगा कि बिल्कुल सामने देखना है आपको, बिल्कुल भी एक चीज़ ध्यान रखनी है उस टाइम आँखें खुली रखनी है और उसके आपकी आँखों में लाइट का फोक्स आएगा, बहुत तेज आएगा। ऐसा होगा कहीं कोई इरिटेशन की वजह से मतलब आंसू भी आ जाते हैं, मेरे खुद के आए थे, तो उस चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली होता है। इस चीज़ में ऐसा नहीं है कि भाई किसी को टेंशन लेने की, भाई मेरे आंसू आ गए तो मेरा नहीं होगा या फिर कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है वहाँ का, तो आपको 1% टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये काम आपका ये प्रोसेस सबसे लास्ट प्रोसेस होता है ये हो जाता है, उसके बाद में हो सकता है आपको या तो उसी दिन से हमको या नहीं तो नेक्स्ट डे बुलाएं, नेक्स्ट डे बुलाएंगे या फिर उसी दिन बुलाएंगे। तो अब लास्ट का प्रोसेस बचता है जिसके अंदर आपको वो आपका बाहर नाम अनाउंस करेंगे, नाम अनाउंस करते हैं आपको अंदर जाना है। वो 3 स्लिप होंगे, उन पे आपके साइन करवाएंगे, अंगूठा लगवाएंगे और क्या उसके बाद में जो आपको पहले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन जो लेटर दिया था परमिशन लेटर, उसमें से आधा नीचे वाला हिस्सा है वो फाड़ के आपको दे देंगे और बाकी ऊपर साइड का है जो अपर साइड का है वो अपने पास रख लेंगे। कुल मिला के जो ये मेडिकल हुआ था हमारा 3 दिन प्रोसेस चला था, काफ़ी अच्छा, डॉक्टरों को काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे, कोऑपरेटिव व्यवहार था। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आए एक दिन बोले कि सर हम तो इतनी दूर से आ रहे हैं ये खर्चा हो रहा है या फिर ये खर्चा, जो भी है वहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपको इतना पेशेंस रख के आना है, कम से कम ये सोच के आना है कि मेरे को 4 दिन कम से कम मेडिकल के लगेंगे। ये मैं आपको बता रहा था कोलकाता जो मेडिकल हुआ था, कोलकाता में जो मेडिकल चल रहे हैं उनके बारे में। मैं लेट हो गया वीडियो बनाने में, एक्चुअली कोई काम था मेरे को, मैं कहीं बाहर गया हुआ था और मेरे को टाइम नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। और सबसे मेन बात यही है कि नॉर्मल प्रोसेस होंगे सारे के सारे, आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हार्ट बीट तेज़ करोगे तो सबसे पहले ही देख लो, मैंने आपको बताया था कि BP चेक होगा, BP में वो आपको बोल देगा कि आप बाहर जाओ, वापस बुलाएंगे, इसलिए बिल्कुल रिलैक्स रहना है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको वो जो चीज़ नॉर्मल नहीं दिखे, जिसकी आँखें 6x6 हैं 100% मैं श्योर हूँ कि उसको 100% सारा कुछ जो प्रोसेस है, जो विजन टेस्ट का लड़के बोल रहे हैं कि विजन टेस्ट ऐसा हो रहा है या फिर दूसरे चैनलों पे, मैं खुद देख के गया था, मैं खुद घबरा रहा था, मैं आपको सही बताऊँ, लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं आपको घबराने की 1% जरूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होगा। बस एक दिखाना वो है कि आपको बिल्कुल एक बुक पढ़नी है और विजन टेस्ट में एक वो सी दिखाएंगे, वो बताना है कि भाई उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, लेफ्ट राइट या फिर ऊपर की साइड या नीचे साइड, आप हिंदी में बोल सकते हो सर सीधे हाथ की तरफ है उल्टे हाथ की तरफ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ये लाइक कीजिए इसको और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।